हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो वी 29 प्रो 5G फ़ोन है, तो वीवो वी 29 प्रो 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में नंबर्स वगैरह को सेव कैसे कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर्स को आप कैसे सेव कर पाएंगे वीवो वी 29 प्रो 5G फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि कॉन्टैक्ट नंबर्स को आप कैसे सेव कर सकते हैं और कैसे नंबर्स को सेव कर पाएंगे फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि कॉन्टैक्ट नंबर्स को सेव कैसे करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको सेटिंग्स पे जाना हो, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो नंबर्स को आप सेव कैसे कर सकते हैं, तो आपको यहाँ से बैक करना है। बैक करते ही फ़ोन आइकन्स पे जाना है। फ़ोन आइकन्स पे जाते हैं तो ये ऑप्शन आ जाएगा, जिस पे जाकर क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है। फर्स्ट नेम डाल देना, जो हम फर्स्ट नेम डालते हैं, AKS जो भी आप डालना चाहें, लास्ट नेम भी डाल देना है कुछ इस तरीके से, और नंबर भी डाल देना है। नंबर जो भी आपका है वो डाल देना, जो भी 10 डिजिट नंबर है डाल देना है। इस तरह नंबर आ जाएगा, सेकंड नंबर भी डाल सकते हैं, फोटोज़ भी लगा सकते हैं, सेव कर देंगे तो सेव हो जाएगा। तो नंबर आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा, जो आपके फ़ोन में शो करेगा, यहाँ पर कहीं शो हो रहा होगा। एंड आप चाहें तो डायल पैड का यूज़ भी कर सकते हैं। इस तरीके से डायल पैड पे भी नंबर जैसे डाल के आप सेव करना चाहें तो क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, और नेम भी डाल सकते हैं, जैसे हमने नेम डाल दिया एंड लास्ट नेम भी डाल दिया, और सेव कर देंगे तो नंबर आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा, जो फ़ोन बुक में शो करेगा। बैक करके हम चेक करते हैं तो यहाँ पर नंबर शो करेगा और सेव भी हो जाएगा। तो इस तरीके से नंबर्स को आप सेव कर सकते हैं और शो भी हो रहा है। तो आपको वीडियो चाहिए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।